मोदी सिर्फ झूठ की गठरी बोलते हैं। जहाँ आम आदमी रहता है वहाँ ये बीजेपी ने कभी कोई काम नहीं। हम पूछना चाह रहे हैं कि जनता का पैसा जनता के पास कहाँ लगाया? ना इनके बस का संविधान बदलना है, ना ये 400 ला सकते। इनकी गवर्नमेंट है, इसमें ये लोग कोर इश्यूज पे बात नहीं करते बिल्कुल, जैसे बेरोजगारी, महंगाई, कम से कम इस पे बात तो होनी चाहिए। इधर उधर की बात करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे, मेन मुद्दे यही है। मंदिर के अलावा कोई काम नहीं कर पाएंगे। मोदी जी से हमने ये कहा था, मोदी जी तुम्हारा हाल जो है ना बेहाल होने वाला है, 100% होगा बदलाव। नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं जनित आवाज। 2024 के लोकसभा चुनाव पे हम जनता की राय जो है वो जानने आए हैं कि किसको देख रहे हैं वो प्रधानमंत्री, क्योंकि अभी तो इस वक्त जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन उसके बाद अब देखना ये है कि बदलाव नज़र आता है कि नहीं नज़र आता है। सर, क्या लग रहा है कि इस बार बदलाव होगा? 100% होगा बदलाव। किस बिना पे कह रहे हैं कि 100% बदलाव होगा? आप पुरानी हिस्ट्री देखिए ना। आप मान लो पांचवी क्लास में है, छठी क्लास में जाने के लिए एक टेस्ट होता है ना। हाँ। ये टेस्ट में फेल उसका है, जनता की अदालत में ये फेल उसका है। लेकिन जनता कह रही है कि अगर जो हम धर्म के नाम पे वोट दे देंगे बाकी कुछ काम करें या ना करें। जनता ऐसी बेवकूफ़ नहीं है कि जो धर्म के नाम से पैसे वोट देगी। हाँ। जनता हर बात समझती है, अगर उसको धर्म के नाम से अगर पब्लिक का फ़ायदा होगा तो धर्म के नाम से देगी, अगर बगैर किसी धर्म के नाम से पब्लिक का फ़ायदा होगा तो उसको तो वोट देगी। ये नहीं है कि धर्म के ऊपर ये चाहते हैं कि हिंदू इकट्ठे होकर के हमें बीजेपी को जिता देंगे। कभी नहीं, हिंदू कभी इकट्ठा हुआ क्या? ये मोदी जी ने पहला इलेक्शन लड़ा था मणिनगर अहमदाबाद से, और हमारा उनके खिलाफ खड़ा था ये तीन भाई ओझा, मैं उसका 10% इंचार्ज था उसका। तब भी मोदी जी से हमने ये कहा था, मोदी जी तुम्हारा हाल जो है ना बेहाल होने वाला है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर इस बार 400 पार लेके आएंगे तो संविधान बदल देंगे। अरे नहीं, ना इनके बस का संविधान बदलना है, ना ये 400 ला सकते। अब देख लेना, अगर इनकी गिनती पूरी हो जाए तो हम जिम्मेदार हैं, यहीं बैठे मिलेंगे आपको। पर वो कह रहे हैं उन्होंने पहले ही तैयारी कर ली, अभी 10 साल का ट्रेलर था, अभी आगे 47 तक जो है विकसित भारत बनाएंगे। ये कहना तो मामूली बात है कि उन्होंने तैयारी कर ली है। जब दो पहलवान लड़ते हैं ना, जब कुश्ती लड़ते हैं तो दूसरा पहलवान पता नहीं कौन सा दाव लगा जाता है। हाँ। अभी कांग्रेस या दूसरे लोग जो है ना, इंटरनेशनल पॉलिसी को आप समझो, रशिया कभी इंडिया को अपने हाथ से नहीं जाने देगा। और आज ये जो अपना जो मोदी जी है ये प्रो अमेरिकन हो चुका है। अमेरिकन और रशिया की पॉलिसी में दिन रात का फर्क है। रशियन ग्रुप चाहता है कि मजदूर को आगे बढ़ाया जाए, आम आदमी को कुछ कुछ मिले। अमेरिकन पॉलिसी क्या है, जितने आम आदमी के पास पैसा उसको खींच करके चंद लोगों तक पहुँचाए। ये इतना पर वो तो कह रहे हैं कि जनता का पैसा लेके जनता के काम में ही लगाया है। अरे यही तो हम पूछना चाह रहे हैं कि जनता का पैसा जनता के पास कहाँ लगाया, यही तो हम पूछ रहे हैं कि सड़कें बनवा दी हैं, रोड बनवा दी हैं, शौचालय दे दिए हैं, और क्या चाहिए आप लोगों को? नहीं, कौन सी सड़कें बना दी, कौन से शौचालय दे दिए? आप देहात में जाओ ना, आप जैसे ही हमारे ये साहब खड़े नरेले में जाकर देखो, कहाँ शौचालय बना दिए, कहाँ रोड बना दिए। आप दो दो फुट के गड्ढे दिखाई देंगे आप। आदमी अपनी गाड़ी नहीं निकाल सकता, पैदल नहीं जा सकता। ये यहाँ अगर मान लो शहर में 10 रोड बना दिए तो ये गडकरी की मेहरबानी है, अगर जो शहर में थोड़ा बहुत काम दिखाई दिया है, वरना और कोई देहात में किसी भी तरह से जहाँ आम आदमी रहता है वहाँ ये बीजेपी ने कभी कोई काम नहीं किया। और वही आम आदमी रहते वहाँ बीजेपी ने कोई काम ही नहीं किया है। नहीं किया, जहाँ गरीब लोग रहते हैं ना, जहाँ आम आदमी रहते हैं वहाँ इन्होंने कुछ काम नहीं किया। तो इस बार अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं तो फिर कौन? वो तो फैसला करेगा ना, जिसका बहुमत आएगा ना, वो तो डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट में जिसका बहुमत। भाजपा की ही दिख रही है आते हुए? ना, ये आप और हम कह रहे हैं ना, जो समय आता है ना, जनता भी कह रही है, जनता कह रही है जो राम को लाया है हम उसको लेके आएंगे। नहीं, वो तो ठीक है, जनता कह रही है तो फिर हमारे आप क्यों परेशान है, हम और आप क्यों परेशान है? हम इसीलिए परेशान है ना, अब भाई हमें पब्लिक से ये पता लगे कौन आ रहा है। अगर पहले ही जनता ये कह देगी, ये पहले ही गवर्नमेंट ये कह देगी हमारा प्रधानमंत्री ये आ रहा है, तो इलेक्शन ही ख़त्म हो जाएंगे। फिर क्या कहेंगे, क्या देश सही चल रहा है मोदी जी के राज में? नहीं, बहुत अच्छा तो नहीं चल रहा है। लेकिन सही चल रहा है? सही चल तो रहा है, सारी गाड़ियाँ चल ही रही तो अच्छी ही चल रही है, लेकिन जो चलना चाहिए वो नहीं चल रहा है। मतलब क्या, क्यों नाराज़गी है उनसे कि अच्छा नहीं चल? नाराज़गी किसी से नहीं है, जो सत्ता में रहता है। हाँ।
सत्ता में जिन जो सत्ता में है अपने हिसाब से लोग चलते हैं, और उनको सत्ता कैसे चलानी है उनकी उनके अपने तरीके होते हैं। आप उनके काम से खुश है कि नहीं है? 50-50। तो किस बात है, कोई ऐसी बात है जिससे खुश नहीं है? 50-50 है तो सोचिए, कुछ खुश है कुछ काम से कुछ नहीं है। आप खुश है कि नहीं आप बताइए ना। 50-50 करे ना, कुछ काम से खाए भी हाँ। कुछ अच्छे भी किए। ऐसा काम करने से खुश है आप? कुछ अच्छे किए हैं जो कि पब्लिक भी उसको अच्छा समझती है, लेकिन 50-50 हम है। सर क्या कहेंगे आप, यहाँ पे चाय बेचते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी भी चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए हैं। हम तो हमारा तो काम ही ये है कि चाय बेचना और लोगों को चाय पिलानी और पैसा लेना। लेकिन अब आजकल का माहौल ऐसा बन चुका है कि अपनी दिहाड़ी निकालनी बहुत भारी पड़ रही है, क्योंकि ये माहौल ऐसा बन चुका है कि जो आदमी किसी की किसी दुकान के ऊपर जाने को कोई भी राजी नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा यूँ कि लोगों के काम जितने भी हैं सारे ख़त्म हो चुके हैं। बाकी आप भी तो यहाँ पे जो चाय की जो टपरी पूरी लगाई हुई है, आपका तो काम सही चलता है कि नहीं चलता है? हमारा अगर काम सही चलता होता तो ये लोग सारे क्यों अच्छा कहते? मतलब काम नहीं सही चल रहा है मोदी जी के राज में? तो सारे सबके ही बिल्कुल बेकार हो चुके हैं ना, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या तकलीफ है आपको मोदी से? तकलीफ तो हमारे को कुछ भी नहीं है, लेकिन आदमी रोजगार की वजह से इसलिए डाउन है कि किसी का भी कोई रोजगार नहीं है। तो वो वही कह रहे हैं ना कि आत्मनिर्भर, जैसे आपने ये चीज़ खोले वैसे ही वो कह रहे हैं पकौड़े तलिए, अपना कुछ खोलिए, अपनी दुकान खोलिए कुछ। ये कुछ भी खोल के लगा लें हम, या कुछ भी खोल के लगा लें, जब लोगों की जेब में कोई मालदार आदमी तो हमारे पास लेने के लिए आएगा ही नहीं, आएगा तो गरीब ही आदमी। जब गरीब आदमी हमारे पास नहीं आएगा तो वो तो हमारे तो पकौड़े तले तलाए भी ऐसी रह जाएंगे, कौन खाएगा उसे, हम घर ले जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि हमने मंदिर बना दिया है बस, अब जनता को और कुछ नहीं चाहिए। और क्या चाहिए, ये तो सिर्फ मंदिर ही मंदिर बनाएंगे पूरे भारत के अंदर, और क्या होगा बोलिए आप। तो उनका तो वही एजेंडा था ना कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? नहीं नहीं, वो जो उनका काम है वो तो कर रहे हैं, लेकिन अलावा है मंदिर के अलावा कोई काम नहीं कर पाएंगे। मंदिर के अलावा कुछ नहीं, एजुकेशन पे ध्यान दिया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ले आए हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे मैडम। जो इन्हें करना है वो करेंगे, और इनके बीच में कोई बोल भी नहीं सकता, जो बोलेगा वही अपना। इस बार क्या लग रहा है, सरकार बदलेगी या नहीं? देखो साहब, ये तो अब इनकी किस्मत की बात है। आप किसको वोट देने वाले हैं? हम तो जी मोदी को देंगे, लेकिन अब आगे मोदी को ही वोट देंगे। हाँ मोदी को ही वोट देंगे, लेकिन उनके काम से खुश भी नहीं है। वो जो भी हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन भाई तो वोट क्यों देंगे जब काम से खुश नहीं है तो? अब जब सारे उनको देंगे तो हमको पीछे थोड़ी ना रहेंगे, किसी को तो किसी और को देना पड़ेगा ना, तभी तो बदलाव होगा। ये तो सर जब वक्त आएगा तब बताएंगे, जैसी चाल होती है पब्लिक की। काम से भी खुश नहीं है, रोजगार भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वोट जो है मोदी को देंगे। अब सवाल जो है कहने का यही है कि जब एक आदमी मर रहा है तो दूसरे को मरने में क्या परेशानी हो रही है? सर क्या लग रहा है, इनका तो कहना है कुछ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वोट फिर भी मोदी को देंगे? मैम मोदी जी काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है, कौन कहता नहीं करते, क्या नहीं किया उन्होंने, एजुकेशन दी है, सब कुछ किया आज की डेट में। हम जनरेशन से पूछे, हमारे पास जॉब नहीं थी, अब जॉब भी हमारे पास सब कुछ है। पहले हम लोग मतलब तो 2 करोड़ रोजगार की बात की गई थी, वो सही है? हाँ जी, क्यों नहीं सही है हमारी, मतलब मिला है रोजगार? क्यों नहीं मिला, मिला है सबको, मिला है। हाँ वो बात अलग है, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिली है अभी, मतलब बोला था गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो नहीं मिली अभी। वैसे प्राइवेट जॉब्स तो मिली है हम लोगों को, तो मिली है जो है हम लोग आसपास के, मतलब कि हम लोग को जॉब्स मिली है, पहले जॉब नहीं थी हमारे पास, अब मिली है। फिर भी जनता सवाल तो यही कर रही है ना कि मोदी जी ने इतना बड़ा घोटाला कर दिया, इलेक्ट्रोल बॉन्ड देख लीजिए, उस चीज़ पे आप क्या कहेंगे? मैम वो तो बोलते ही हैं, अब एक बात बताइए ना, कांग्रेस थी जब, कांग्रेस ने क्या किया? आप कांग्रेस की तरफ देखो एक बार, कांग्रेस ने सत्ता में अभी कौन है, भाजपा सरकार है, तो सवाल तो उन्हीं से करा जाएगा ना? जो पावर में रहता है विरोध उस पर ही उठाया जाता है, ठीक है? अब मैं पावर में आ जाऊंगा तो सब मेरी तरफ, मेरे उस पर हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है? आज की डेट में ये है, अगर जो मतलब गरीब है ना उसको, गरीब को मारा ही जाता है, गरीब कह रहे हैं गरीबी बढ़ गई है भाजपा सरकार के राज में, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मैम वो तो कांग्रेस में भी नहीं थी, आईटी सेल के जो आदमी है वही रेप कर देते हैं महिला का, ऐसा कौन कह रहा है? पहले कांग्रेस के उसमें आप वो देखो, स्टेटस देखो क्या सर, क्या कह रहे हैं? मोदी सिर्फ झूठ की गठरी बोलते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं बहुत काम हुए हैं भाजपा सरकार में। कुछ नहीं काम, कोई काम नहीं हुआ है, वो तो झूठ। कौन सा आयुष्मान
आयुष्मान क्या योजना, आयुष्मान योजना, उससे किसी भी प्रकार का किसी को लाभ नहीं हो, उसकी पार्टी को ही लाभ होता है, बस सिर्फ उसकी पार्टी को लाभ होता है। सेल्फिश पार्टी, सेल्फिश पर्सन है, जनता के लिए समर्पित है वो? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो उनकी पार्टी के ही लोग करते हैं, बस उनकी पार्टी के ही करते हैं। ओनली ही इज प्रेज्ड बाय हिज पार्टी, अदर पर्सन विल नॉट, जनता के लिए कुछ नहीं करते हैं, मतलब वो मंदिर और मस्जिद ही, मंदिर मस्जिद करते हैं बस। सर एक सवाल आप लेना चाहूँगी, आप युवा हैं तो क्या लग रहा है, जैसे कि रोजगार की बात करें तो रोजगार मिला है कि नहीं मिला है? यही मैम सबसे बड़ी कोर इशू यही है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो इनकी गवर्नमेंट है इस पर ये लोग कोर इश्यूज पे बात नहीं करते बिल्कुल। जैसे बेरोजगारी, महंगाई, ये आजकल जो कॉमन आदमी है उसके लिए बहुत बड़े इश्यूज हैं, कम से कम इस पे बात तो होनी चाहिए। और इधर उधर की बात करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे, मेन मुद्दे यही हैं। अभी आप ही के सामने हमने जो पीछे वो युवा बैठे हैं उनसे बात करी, वो कह रहे हैं गवर्नमेंट जॉब का तो पता नहीं पर हमें प्राइवेट जॉब ज़रूर मिल गई है। प्राइवेट जॉब में भी मैम प्रॉब्लम ये है कि जो बेसिक राइट्स होते हैं किसी भी एम्प्लॉय के, वो मतलब कोई भी कॉरपोरेट को भी इंडस्ट्री को फॉलो नहीं करती, इसकी वजह से उसमें मतलब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। और यही है मतलब उसमें कोई भी गवर्नमेंट जॉब क्यों लेना चाहता है, सिक्योरिटी है और ठीक भी है वो, इसलिए आदमी क्या करे। पेंशन की चीज़ बहुत देखने को मिल रही है, वाली चीज़ नहीं, पेंशन वाली तो गवर्नमेंट की चॉइस है, लेकिन कम से कम जो बाकी जगह है वहाँ पे तो बेसिक राइट्स देने चाहिए एम्प्लॉयज़ को, इसीलिए आदमी इस टाइम बहुत भाग रहा है गवर्नमेंट जॉब की तरफ। तो मतलब अभी क्या लग रहा है, 2024 के लोकसभा चुनाव है उस पर क्या दिखाई दे रहा है, मतलब कौन प्रधानमंत्री बनते हुए नज़र आ रहा है? इंडिया का ही बनेगा मेरे को, मतलब मेरे को तो बने ना बने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैम, अपना वोट लेकिन दिखाना चाहिए वहाँ पे। आप अगर अपना वोट दोगे तो अपना प्रतिनिधित्व हमारा दिखेगा, और वो उसे मतलब लगेगा ना कि हाँ हम लोग भी, अपोजिशन भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, क्योंकि अपोजिशन स्ट्रांग नहीं है क्या आपके? नहीं अभी तो नहीं है, कम सीटें हैं उनके पास, लेकिन इसीलिए वोट देंगे। अब देखो अब क्या होता है मैम। ये थी जनता की राय, युवा से भी हमने बात करी है तो देखने को मिल रहा है कि कोई कह रहा है कि गवर्नमेंट जॉब का तो पता नहीं पर प्राइवेट जॉब हमें ज़रूर मिली है, दोनों चीज़ें देखने को नज़र आ रही है, 50-50 चांसेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो इस पूरी वीडियो पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।